सो बेटा आफ्टर ग्रुपिंग ग्रुपिंग आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है कॉन्टेक्स्ट. और जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में है, एक कॉन्टेक्स्ट है, उसके बीच में वो चीज़ आपने रखी हुई है. ठीक है बेटा. और फिगर है, फिगर जो है वो मेन एडवर्टाइजिंग चीज़ है जिसका, जो आपके फिगर है और फिगर के आसपास एक बैकग्राउंड है. ठीक है. तो बेटा फिगर एंड ग्राउंड, फिगर एंड ग्राउंड में एडवर्टाइजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करती हैं. ये अप्लाई आप फॉर एग्जांपल आपकी एक वाइट वॉश्ड क्रीम शेड की या वाइट शेड की या ऑफ वाइट शेड की एक वॉल है और उस पर आपने अपनी फ़ोटो को या किसी सीनरी को टांगना है. एक लॉ है जो कहता है कि ग्राउंड से फिगर जो है वो कंट्रास्ट होनी चाहिए. अगर आपकी ग्राउंड ब्लैक है और फिगर ने भी ब्लैक ही कपड़े पहने हैं तो आपको उसमें फोकस करने में तकलीफ होगी. तो सिमिलरली बेटा जब भी हम अपनी वॉल्स के ऊपर अपनी पेंटिंग्स या कुछ करते हैं हम उनके फ्रेम्स का बहुत ध्यान रखते हैं. अगर वॉल वाइट है तो डार्क शेड, डार्क ब्राउन कलर के, रस शेड के जो फ्रेम्स हैं उनके बीच में आपकी फ़ोटो बहुत चमकती है. और सिमिलरली अगर आपकी पोर्ट्रेट है और आपने उसमें एक पर्टिकुलर कलर का एक सूट पहना है और वो फ्रेम कभी भी एक जैसा मैच नहीं करना चाहिए उससे कि आपकी फिगर जो है वो इतना एक्सपोज होके नहीं आती है. तो यही लॉ का एडवर्टीजमेंट कंपनीज जो हैं वो ध्यान रखती हैं. वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जैसे साबुन की या किसी चीज़ की उन्होंने ऐड देनी है तो वो उस ऐड को इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो फोकस में रहे, वो फिगर रहे और उसकी ग्राउंड जो है वो कंट्रास्ट में रहे, तभी आपके उस ऐड करने वाले साबुन के ऊपर नज़र पड़ेगी. सो बेटा फिगर एंड ग्राउंड में कंट्रास्ट का फिनोमिना चलता है. उसमें ध्यान रखा जाता है कि मेन फोकस, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि आप ड्रिंक ले रहे हैं और ड्रिंक के साथ स्नैक्स रखे हैं तो स्नैक्स फोकस में नहीं होने चाहिए बिकॉज स्नैक्स फिगर नहीं है, फिगर तो ड्रिंक बेचना है और ड्रिंक की कंपनी में आपने स्नैक्स रखे हैं तो स्नैक्स जो हैं वो बैकग्राउंड में पीछे की तरफ होने चाहिए और जो ड्रिंक है वो फोकस्ड में आगे होनी चाहिए. सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि साबुन आप बेच रहे हैं तो साबुन ही एज एन फिगर आपके ऐड में फोकस होना चाहिए और ग्राउंड जो है जैसे फूल है, बगिया है और जिसने वो साबुन इस्तेमाल किया है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो रोज़ को उसके चेहरे के साथ लगा रहे हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट गुलाब की नहीं है, एडवर्टीजमेंट साबुन की है कि साबुन जो है वो गुलाब जैसा निखार लेके आता है. सो वन हैज़ टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग. सो सेकेंड प्रिंसिपल इज़ फिगर एंड ग्राउंड, डेट मीन्स कॉन्टेक्स्ट. थर्ड एंड प्राइम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का बेटा वो है क्लोजर. क्लोजर मीन्स कि फॉर एग्जांपल कुछ एड्स क्या करती हैं, वो इनकम्प्लीट एड्स छोड़ देती हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, वो अपनी एड की पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पूरा सर्कल नहीं बनाते, वो एक आर्क बना देते हैं और कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं. तो वो जो वो अधूरी चीज़ है वो हमको अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, हम अपना ब्रेन्स यूज़ करते हैं उसको क्लोज करने के लिए. हम ऑटोमेटिकली हम बिलीव कर लेते हैं कि हम उसको जानते हैं. फॉर एग्जांपल एक ऐड जो है, एक वीडियो शूटिंग के साथ में एक ऐड जो है वो टीवी पे आती है, काफ़ी देर तक आती रहती है और उसके बाद वो ऐड जो है वो टीवी पे बंद हो जाती है और वो रेडियो पे आना शुरू हो जाती है. तो रेडियो में तो हमें सिर्फ सुनाई देता है बेटा, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जब रेडियो में ऐड आएगी तो वो ऑलरेडी आपने टीवी में देखी होगी तो आप लोग अपनी मेमोरीज को शार्प करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस पिक्चर को जब वो टीवी पे आती थी उस वीडियो को अपने दिमाग में रखेंगे और उसको इमेजिन कर करके इस ऐड को कंप्लीट कर लेंगे. सिमिलरली एक ऐड है फॉर एग्जांपल लिवाइस जो जीन्स हैं, उन्होंने तीन ब्रांड के, तीन किस्म के जीन्स निकाले और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को तीन डिफरेंट गिटार दिखाए और तीन डिफरेंट जीन्स दिखाई और उन्होंने कहा कि
इनको इनके साथ मैच करिए, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। तो एक जीन्स जो थी वो थोड़ी खुलेपन में थी, वेल बॉटम जैसी थी, और एक गिटार काफ़ी बड़ा सा जो बैक जिसका मोटा था तो उसके साथ मैच कर रहा था। और एक जो थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जीन्स थी लिवाइस की, और वो जो वो गिटार था वो भी बड़ा स्लीक सा पतला था जो उसके साथ मैच कर रहा था। और एक जो थी वो बहुत फैली हुई जीन्स थी, तो वो गिटार भी बिल्कुल वैसे था। तो इसलिए ये जो क्लोज़र है, क्लोज़र कहता है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ जान के इन्फॉर्मेशन आदि देती हैं, जो कि इंसान जो है जिसने उसको ख़रीदना होता है वो ज़्यादा दिमाग लगाता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और ऐसे करके वो ज़्यादा फोकस्ड होता है। सो तीन लॉज की बात की, तो लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये टॉपिक आज हमारा कम्प्लीट है। प्लीज़ रीड इट केयरफुली। थैंक यू सो मच।